हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल। प्रैक्टिस सेट 31 का क्वेश्चन नंबर सेकंड है कि अ शॉप के ऊपर एक दुकानदार है बच्चों, ये जिसने एक साइकिल खरीदा ₹3000 में एंड सोल्ड देम द, उसको सोल्ड कर दिया यानी बेच दिया ₹3400 में, तो उसको हाउ मच, कितना उसको प्रॉफिट हो रहा है, तो ये हमें बताना है। 3000 में खरीदा एंड उसको सोल्ड कर दिया 3400 में, तो कितना उसको प्रॉफिट हो रहा है। तो प्रॉफिट इज इक्वल टू जो मैंने बताया है कि SP माइनस CP, तो वो फॉर्मूला लगाइए और उसमें वैल्यू रखिए और माइनस करते हैं। स्टूडेंट देखिए, सेकेंड क्वेश्चन है कि बाइसिकल को जो उसने खरीदा था वो 3000 में खरीदा था एंड सोल्ड क्या है 3400 में, तो SP माइनस CP, तो खरीदा था 3000 में, बेचा उसको 3400 में, तो ये SP आ गया हमारा 3400 माइनस जो कॉस्ट प्राइस है जो खरीदा था उतने में साइकिल को, वो था 3000। ठीक है, अब इसमें से इन दोनों को माइनस किया तो रुपीज बच गया 400, तो ये हो गया उसका प्रॉफिट, यानी उसे शॉपकीपर को 400 का जो है प्रॉफिट हुआ है। अभी आंसर में हम लिखेंगे ऐसे कि शॉपकीपर गेन्ड अ प्रॉफिट ₹400, ये हो गया आंसर। हेलो स्टूडेंट, अभी तक आपको मेरा ये वीडियो पसंद आ रहा है तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। चलिए थर्ड क्वेश्चन में आपको बता रही हूँ कि सुनंदा बाई जो है उसने मिल्क जो है परचेस किया है ₹475 में एंड सी कन्वर्टेड, उसको कन्वर्ट मतलब बदल दिया योगर्ट में, एंड उसको कन्वर्ट करने के बाद जो उसने सोल्ड किया है ₹700 में, तो हाउ मच प्रॉफिट डिट्ची में, उसको कितना प्रॉफिट हुआ, मतलब खरीदा था 475 में एंड उसको कन्वर्ट करने के बाद उसको सोल्ड कर दिया ₹700 में, तो हमें प्रॉफिट तो दिख ही रहा है लेकिन कितना प्रॉफिट हो रहा है वो निकालना है। तो प्रॉफिट निकालने का जो फॉर्मूला है वो है SP माइनस CP, तो वो फॉर्मूला लिखते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड, प्रॉफिट इज इक्वल टू SP माइनस CP, तो जो सुनंदा बाई ने जो मिल्क परचेज किया था 475 में एंड उसको सोल्ड किया है 700 में, ठीक है स्टूडेंट, एंड माइनस CP कॉस्ट प्राइस जो था उसका 475, ठीक है स्टूडेंट, अभी इसको माइनस करने पर आ रहा है 225, ठीक है स्टूडेंट, तो जो 225 था उसको प्रॉफिट हो रहा है, तो ये हो गया प्रॉफिट। फोर्थ क्वेश्चन है, द जीजा माता वुमेन सेविंग ग्रुप, जीजा माता वुमेन सेविंग ग्रुप करके एक है जिसमें से वुमेन्स ने कुछ रॉ मटेरियल खरीदा है जो उसका प्राइस है 15,000 फॉर मेकिंग चकलीज, चकलीज बनाने के लिए, तो दे सोल्ड द चकलीज, और उसको मटेरियल खरीदने के बाद उन्होंने चकली को जो बेचा है वो है ₹22,050 में, तो हाउ मच प्रॉफिट डिड द WSG मेक, तो वुमेन्स ने जो है कितना प्रॉफिट कमाया, तो वो हमें निकालना है। तो यहाँ पे प्रॉफिट तो दिख रहा है, प्रॉफिट का फॉर्मूला लिख के माइनस करिए और इसका आंसर निकालते हैं। जो WSG है, वुमेन सेविंग ग्रुप की जो महिलाएं हैं उन्होंने जो है मटेरियल खरीदा, तो मटेरियल जो है उसका कॉस्ट प्राइस है ₹15,000 एंड सोल्ड प्राइस जो है वो है 22,050। ये मटेरियल खरीदा, ये कॉस्ट प्राइस है स्टूडेंट, तो ये जो खरीदा है वो 15,000 में, सोल्ड है ये 22,050 में, तो अभी हमें इसमें प्रॉफिट हो रहा है, कितना प्रॉफिट हो रहा है वो हमें निकालना है। तो प्रॉफिट इज इक्वल टू SP माइनस CP, ठीक है स्टूडेंट, तो अभी SP है ₹22,050, तो ₹22,050 माइनस CP हो रहा है 15,000, ये दोनों को माइनस करने पे आ रहा है 7,050, तो इतना जो है रुपीस वो प्रॉफिट हो रहा है, तो प्रॉफिट इज इक्वल टू हो गया ₹7,050। तो यहाँ पे आंसर हम लिखेंगे अभी, द WSG मेक प्रॉफिट ₹7,050।
स्टूडेंट, अभी तक मेरी वीडियो अगर आपको पसंद आ रही है तो प्लीज इसे सब्सक्राइब कीजिए। चलिए आगे बढ़ रही हूँ मैं फिफ्थ क्वेश्चन की तरफ। प्रमोद बॉट, प्रमोद जो है उसने कुछ 100 बंचेस ऑफ मेथी के जो है वो खरीदे हैं ₹400 में, ठीक है स्टूडेंट। एंड 30 ऑफ बंचेस ऑन हिज हार्ड कर्व गॉट स्पॉइल्ड, मतलब लाते समय जो है स्पॉइल्ड मतलब खराब हो गए, और बाद में उसने जो बचे हुए थे मेथी के बंचेस उसको ₹5 ईच के हिसाब से उसने सोल्ड किया, तो उसको प्रॉफिट हो रहा है कि लॉस हो रहा है ये हमें निकालना है। तो पहले तो उसने 100 बंचेस खरीदे थे, लेकिन लाते हुए रास्ते में 30 बंचेस जो है खराब हो गए, ठीक है। तो इस पे से हम पहले जो है 100 माइनस 30 हम निकाल देंगे, क्योंकि इतने हमारे बंचेस जो है हमारे खराब हो चुके हैं। तो कितना बचा, 70 बंचेस ही बचे हैं। तो जो रेस्ट ऑफ द बंचेस है वो हो रहा है 70 बच रहा है हमारा, 70 बंचेस ऑफ मेथी के इतने ही है, ठीक है। तो अभी जो 70 बंचेस मेथी है वो उसने खरीदा है ₹400 में, तो ये हमारा आ रहा है अभी कॉस्ट प्राइस आ रहा है, ये 70 बंचेस मेथी का जो कॉस्ट प्राइस है वो आ रहा है 400, ठीक है स्टूडेंट। अब जो सेलिंग प्राइस है वो, सेलिंग प्राइस वो बोल रहे हैं SP इज इक्वल टू है ₹5 ईच बोल रहा है, ठीक है। अगर 1 का ₹5 है तो 70 का कितना होगा। अभी यहाँ पे पहले हम 70 बंचेस मेथी का रेट निकाल लेते हैं। 1 बंचेस मेथी का जो प्राइस है वो हो रहा है ₹5, तो 70 बंचेस का कितना होगा, तो 70 मल्टीप्लाई 5, तो आंसर आ गया हमारा ₹350। तो ये आ गया हमारा ₹350, ठीक है स्टूडेंट। अब ये हमारा आ गया कि इतना सोल्ड कर दिया उसने, तो उसने खरीदा था 400 में और सेल कर दिया 350 में, तो ये हमें पता ही चल रहा है कि लॉस हो रहा है उसको। तो जो कॉस्ट प्राइस थी वो 400 एंड SP जा रहा है 350 में, तो ये लॉस हो रहा है। तो लॉस इज इक्वल टू होता है CP माइनस SP, तो CP है 400 और SP है 350, तो यहाँ पे डायरेक्टली हम माइनस कर दिया तो आ रहा है 50 आ रहा है, तो यहाँ पे ₹50 का जो है लॉस हो रहा है, तो लॉस इज इक्वल टू हो गया 50।